साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म रोबोट को लेकर हर किसी के मन में हमेशा ये सवाल बना रहता है कि आखिर आने वाले वक्त में ये फिल्म कब एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, फिल्म एथिरन की ये हिंदी रीमेक फिल्म एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसमें आपको रजनीकांत देखने को मिले थे डॉक्टर वसीकरण में, और इसके अलावा उन्होंने एक और सेकेंड रोल प्ले किया था जो उसमें वो बने थे रॉबर्ट चिट्ठी। आपको बता दें कि हर एक अवतार में रजनीकांत ने झंडे गाड़ दिए थे, साथ ही साथ इस फिल्म की सक्सेस के बाद तो नज़र आए थे। फिल्म रोबोट 2.0 में जिसमें उनके दुश्मन बनके सामने नज़र आए अक्षय कुमार, जिसने यहाँ पे किरदार निभाया पक्षी का, और वो यहाँ पर हर एक टावर को बर्बाद करता हुआ, हाँ फोन बर्बाद करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा था। इतना ही नहीं है, एक बार फिर से अब खबरें सामने आ रही है रोबोट 3.0 को लेकर। कहा जा रहा है रजनीकांत एक बार फिर से चिट्ठी के किरदार में आपको नज़र आएंगे, तो वहीं अक्षय कुमार एक बार फिर से एक एविल साइंटिस्ट के किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं। साथ ही साथ ऋतिक रोशन भी इस बार रजनीकांत के साथ आपको मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। जहां बीते साल में एमी जैक्सन फीमेल लीड में नज़र आएंगी, तो वहीं इस बार खबरें है कि कैटरीना कैफ और आपको फीमेल लीड में नज़र आने वाली हैं। फिल्म की स्टार कास्ट की हम बात करें तो ये फिल्म की स्टार कास्ट है, और साथ ही साथ फिल्म में कुछ नई किरदारों की एंट्री होगी, उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये जरूर बॉलीवुड एंट्री स्टार किड्स होने वाले हैं जिन्हें एक शानदार डेब्यू मिलने वाला है। फिल्म रॉबर्ट 3.0 से फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 500 करोड़ से भी ज़्यादा का बताया जा रहा है। वे फिल्म में अनाउंसमेंट लास्ट 2023 तक कर दी जाएगी, और साथ ही साथ 2024 में इस फिल्म का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल जाएगा, और अगले साल फिल्म बड़े पर्दे पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी और भी ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।